जब मैं आपसे मिली थी तो हमने काफ़ी सारी बातें की थी डिफ़िकल्ट साउंड्स के बारे में इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जो लिखे अलग तरीके से जाते हैं बोले अलग तरीके से जाते हैं उनके साउंड्स हमने सीखे थे साइलेंट लेटर्स की मैंने बात की थी तो आई थिंक अब तक आपका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी क्लियर है वर्ड्स को लेके कि कोई वर्ड अगर आप देखें तो उसको कैसे बोलना है आई थिंक इसके रूल्स तो आप समझ ही चुके हैं तो आज मैं आपसे प्रोनासीशन की ही बात करूंगी लेकिन एक लेवल अप आज मैं आपसे बात करूंगी प्रोनाशिएशन के साथ साथ कुछ इंटोनेशन की यानी कि आपका जो टोन है उसको ऊपर नीचे कैसे करते हैं और आज के क्लास का नाम है सिलेबल एंड सेंटेंस स्ट्रेस पहले समझ लीजिए कि ये सिलेबल होता क्या है तो सिलेबल का मतलब है हर एक वर्ड में साउंड होता है जैसे ये वर्ड है यहाँ पे फीमेल फी मे ल तो ये तीन साउंड है ना तो ये फी में ल ये हमारे तीन सिलेबल्स हैं तो एक वर्ड के अंदर कौन से सिलेबल को स्ट्रेस करना चाहिए उसकी बात मैं आपको पहले पहले करूँगी और फिर सेंटेंस स्ट्रेस को भी देख लेंगे तो सिलेबल या वर्ड स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब किसी वर्ड में जैसे फीमेल में एक से ज़्यादा सिलेबल होता है तो उसमें से कौन से वाले को स्ट्रेस करना चाहिए स्ट्रेस करने का मतलब है कौन से वाले को मैं थोड़ा लंबा बोलूंगी और बाकी सबको नॉर्मल बोलूंगी जैसे मैंने कहा फीमेल तो मैं देखिए फी को थोड़ा लंबा कह रही हूँ और मेल को थोड़ा छोटा कह रही हूँ मे और एल को थोड़ा थोड़ा धीरे से कह रही हूँ तो वे फीमेल जो है उसमें फी मेरा प्राइमरी सिलेबल है जिसको मैंने स्ट्रेस किया है वैसे ही एक वर्ड है इमेजिनेशन तो देखिए जब मैं इमेजिनेशन कहती हूँ तो मेरा जो ने है उसमें मेरा पिच थोड़ा ऊपर जा रहा है आप नोटिस करें इमेजिनेशन ये मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतने सिलेबल्स हैं और उसमें से इस वाले के ऊपर हम स्ट्रेस दे रहे हैं ये करना जरूरी है क्योंकि आप अगर कोई वर्ड कह रहे हैं तो उसको सही से कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए सिलेबल स्ट्रेस जितना जल्दी सीखेंगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेटर होते जाएंगे फ्लुएंट स्पीकर बनते जाएंगे क्योंकि आपको रुकना नहीं पड़ेगा वर्ड्स के बीच में अब वैसे रूल्स की बात करूँ तो रूल्स तो दो ही हैं एक रूल तो ये है कि एक वर्ड के अंदर सिर्फ एक स्ट्रेस होता है एक ही वर्ड होता है उसके अंदर एक ही सिलेबल होता है जिसको हम स्ट्रेस करते हैं और जिसको हम मेनली स्ट्रेस करते हैं उसको प्राइमरी स्ट्रेस कहते हैं हाँ ये हो सकता है कि किसी और सिलेबल को उससे थोड़ा ज़्यादा किया किसी और को थोड़ा कम किया तो सेकेंडरी स्ट्रेस हो सकता है लेकिन मेन स्ट्रेस फिर भी एक ही होता है एक ही के ऊपर हम दबाव डालते हैं स्ट्रेस का मतलब है एम्फोसाइज करना और दूसरा रूल ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वावल्स को ही एम्फोसाइज़ यानी कि स्ट्रेस किया जाता है कॉन्सनेंट्स को नहीं करते हैं किसी भी वर्ड में वावल्स को ही स्ट्रेस कर सकते हैं हम कॉन्सनेट्स को नहीं कर सकते हैं तो आइए सबसे पहले तो अलग अलग टाइप के वर्ड स्ट्रेस के बारे में सीख लेते हैं और फिर सीखते हैं कि इन्हें कैसे स्ट्रेस करना है अब ये जो वर्ड स्ट्रेस होता है ना इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं तो जैसे कि सबसे पहला टाइप तो ये है कि जब आपके वर्ड में सिर्फ दो ही सिलेबल्स है और आपका वर्ड नाउन या एडजेक्टिव है नाउन यानी कि ऐसा वर्ड जिसमें कोई नाम है या कोई चीज़ का नाम है कोई इंसान का नाम है अगर आपके पास सिर्फ दो ही सिलेबल्स है उसमें या एडजेक्टिव जिसकी हमने बात की थी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तो अगर वो है और दो सिलेबल वाला है तो उसमें स्ट्रेस जो है वो पहले सिलेबल पर ही जाता है हमेशा जैसे प्रेजेंट ठीक है तो प्रेज पे ज्यादा स्ट्रेस जाएगा और एंड पे नहीं जाएगा इतना तो हम कहेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट देख रहे आप जो है वो थोड़ा धीरे-धीरे फेड हो रहा है आप उसको नोटिस कीजिए फिर जैसे वर्ड है चाइना तो मैं कहती हूं चाइना चाई ना तो चाय पे ज्यादा स्ट्रेस जा रहा है वैसे ही इंडिया तो हम कहते हैं ना इंडिया तो इन दिया, इन दिया।, इन दिया। इस तरीके से स्ट्रेस होता है तो पहला वाला जो सिलेबल होता है उसके ऊपर हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं वैसे ही अगर वर्ब की मैं बात करूं अगर मैं किसी वर्ड को वर्ब की तरह यूज़ करती हूँ जिसे ध्यान रखिएगा वर्ब मतलब डूइंग वर्ड्स यानी कि एक्शन वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसमें कोई ना कोई चीज़ हो रही है तो प्रेजेंट जो है वो एडजेक्टिव भी होता है नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है तो जब मैं उसको वर्ब की तरह यूज़ करूँ और उसमें दो सिलेबल है तो फिर मैं आखिरी सिलेबल पे स्ट्रेस करूंगी जैसे मैं वर्ब की तरह करूँ तो मैं कहूँगी प्रेजेंट आई हैव टू प्रेजेंट दिस तो मैं प्रेजेंट पे यानी कि सेंट पे ज्यादा फोकस करूंगी ज्यादा स्ट्रेस दूंगी एक्सपोर्ट, डिसाइड तो देख रहे हैं मैं ये जो लास्ट का जो हमारा सिलेबल है दो में से उसके ऊपर मैं ज्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ ये दो तो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं जो आपको इजीली याद रह जाएंगे अब बात करते हैं थोड़े और रूल्स की तो अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग खत्म होती है आई सी पे या फिर एस आई ओ एन पे या फिर टी आई ओ एन पे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनकी स्पेलिंग वहाँ इन सब वर्ड्स में खत्म होती है तो फिर स्ट्रेस जाता है पेन अल्टीमेट सिलेबल पे ये पेन अल्टीमेट सिलेबल क्या होता है लास्ट सेकेंड सिलेबल को हम कहते हैं पेन अल्टीमेट सिलेबल अच्छा वर्ड है ना लास्ट सेकेंड पीछे से सेकेंड वाले को जैसे कि ये वर्ड यहाँ पे देखिए ग्राफ एक तो ये दो ही सिलेबल्स इसमें इसमें इसीलिए पहले वाले पे किया है ग्राफ एक शो हो जाता है ग्राफिक एक जो है ना वो थोड़ा फेड आउट हो रहा है देखिए जियोलॉजिक टेलीविजन तो यहाँ पे टेलीविजन में देखिए टेली में नहीं जा रहा है वी में हमको करना है स्ट्रेस और शन में नहीं करना है सो मैं बोलूंगी टेलीविजन तो मेरा जो वी है वो थोड़ा मेरा पिच हाई हो जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा मैंने स्ट्रेस किया है वैसे ही रिविलेशन तो ले पे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो अगर ऐसे कोई वर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो आपको पता है कि लास्ट में से सेकंड वाले पे आइए और उस पे स्ट्रेस कीजिए उसी तरह से अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनके स्पेलिंग के लास्ट में सी वाई है या टी वाई है या पी एच वाई है या शायद जी वाई है बेसिकली वाई है या फिर ए एल है तो फिर स्ट्रेस जाता है नया वर्ड आ रहा है ध्यान से सुनिए स्ट्रेस जाता है एंटी पेनल्टीमेट सिलेबल पे यानि कि लास्ट थर्ड सिलेबल लास्ट सेकंड को हम कहते हैं पेनल्टीमेट सिलेबल इसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सिलेबल यानी कि लास्ट से जो तीसरा वाला है उसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे जैसे कि ये वर्ड है डेमोक्रेसी तो इस ये इसका एंडिंग हो रहा है सी वाई में तो देखिए मैं क्या कह रही हूँ डेमोक्रेसी तो मो जो है उसके ऊपर मैं ज़्यादा एम्फोसिस प्लेस कर रही हूँ ध्यान से सुनिएगा वैसे ही ये वर्ड है डिपेंडेबिलिटी तो मैं देखिए डिपेंडेबिलिटी ऐसे कह रही हूँ बे पे मेरा ज़्यादा स्ट्रेस है फोटोग्राफी फोटोग्राफी तो टॉ तो जो है ना वो थोड़ा ऊपर जा रहा है वैसे ही जियोलॉजी जियोलॉजी तो बाकी सब एकदम धीरे धीरे कह रही हूँ और ये जो बीच का पोर्शन है जो लास्ट थर्ड है सिलेबल उसको मैं जोर से कह रही हूँ और वैसे ही है क्रिटिकल क्रिटिकल में तीन ही सिलेबल्स है इसीलिए जो सी आर आई है वो ही हमारा एंटे पेनल्टीमेट सिलेबल हो जाता है तो मैं कहती हूँ क्रिटिकल क्रिटिकल तो वैसे ही चार रूल्स आप सीख चुके हैं वर्ड स्ट्रेस के एक और रूल की मैं बात करती हूँ और उसके बाद आप सिलेबल स्ट्रेस को समझ चुके होंगे कंपाउंड वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका दो पार्ट होता है दो पार्ट उन वर्ड्स का होता है कंपाउंड वर्ड्स उन्हें कहते हैं जिसके आप दो पार्ट्स कर सकते हैं और वो दो भी अलग वर्ड्स हैं पूरे वर्ड्स हैं और वो दो जब जुड़ जाते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ना ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड तो वो एक्चुअली एक कंपाउंड वर्ड है ब्लैक और बोर्ड ये दोनों वर्ड्स हैं और मैंने इन्हें जोड़ के बना दिया ब्लैक बोर्ड तो अगर वो कंपाउंड नाउन है तो स्ट्रेस जाता है पहले पार्ट पे और अगर कंपाउंड एडजेक्टिव या वर्ब है तो स्ट्रेस जाता है दूसरे पार्ट पे जैसे कि पहले दो एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड और ग्रीन हाउस है वो दोनों nouns है तो मैं कहूंगी ब्लैक बर्ड ग्रीन हाउस इस तरीके से कहूँगी और जो दूसरे दो है वो दोनों एडजेक्टिव या वर्ब है तो मैं कहूंगी ओल्ड फैशनड तो मैं मेरा स्ट्रेस कहाँ जाएगा लास्ट वाले वर्ड पे जाएगा फैशन पे जाएगा ओल्ड फैशन वैसे ही अगर अंडरस्टैंड है जो कि वर्ब है तो मैं कहूँगी अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड राइट तो मैं जैसे आपको मैं सवाल पूछती हूँ ना कि आपको समझ में आया तो मैं कहूँगी अंडरस्टैंड तो ये जो स्टैंड है या फिर मैं कहूँ अंडरस्टूड तो स्टूड है उसके तरफ मेरा स्ट्रेस पड़ेगा पांच ही रूल्स थे बस इसके अगर ये पांच आपको याद रह गए तो आपका सिलेबल स्ट्रेस इज टेकन केयर ऑफ मैं ये नहीं कहती कि आपको एक रात में आ जाएगा लेकिन अगर आपको रूल समझ में आ जाएगा तो फिर आपको पढ़ते वक्त भी पता चलेगा कि ये वाला वर्ड है अब मैं ऐसे ट्राई करूँ आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि आप बहुत सारे वर्ड्स को देखेंगे और उनके ऊपर सिलेबल स्ट्रेस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सिलेबल स्ट्रेस फिर भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन अब जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ जो कि है सेंटेंस स्ट्रेस ये बहुत ही इजी टॉपिक है आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में तो क्या है ये टॉपिक मैं मतलब समझाऊं उससे पहले कुछ सेंटेंसेस पढ़ती हूँ आप मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा आई वॉन्ट यू टू गो टू द मार्केट 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 वॉन्ट यू टू गो टू द मार्केट सेम ही तो है क्या फर्क है फर्क देखिए जहां जहां मैंने बोल्ड किया है वहां वहां मैंने वर्ड पे स्ट्रेस दिया तो एक दूसरे से अलग कैसे हो गई मैंने स्ट्रेस चेंज किया तो।, तो अलग इस तरीके से है कि इन सब का मतलब चेंज हो गया अगर मैंने स्ट्रेस चेंज किया तो मतलब चेंज हो गया हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ मैं चाहती हूं कि तुम मार्केट जाओ और कोई नहीं मैं चाहती हूं आई वॉन्ट यू टू गो टू द मार्केट आई वॉन्ट यू मैं चाहती हूं कि तुम मार्केट जाओ आई वॉन्ट यू टू गो टू द मार्केट आई यू टू गो टू द मार्केट मैं चाहती हूं कि तुम मार्केट जाओ और कोई नहीं तुम ही जाओगे आई वॉन्ट यू टू गो टू द मार्केट का मतलब है मैं चाहती हूं कि तुम जाओ मार्केट में आओ नहीं जाओ I want you to go to the market. मैं चाहती हूँ नहीं तुम बाजार में यानी कि मार्केट में ही जाओ इस तरीके से इन का मतलब change हो गया। जब मैंने स्ट्रेस को चेंज किया तब उनका मतलब भी एक एक करके चेंज होने लगा ये है इंपॉर्टेंस सेंटेंस स्ट्रेस का अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंटेंस स्ट्रेस का मतलब क्या है बेसिकली किसी सेंटेंस में अगर मैंने किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस दिया तो वो मेरा मीनिंग चेंज करेगा इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके ज़्यादा रूल्स नहीं है ये आपका डिसीजन है कि आप किस वर्ड को स्ट्रेस करना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या मीनिंग करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है कि आप क्या मीनिंग समझाना चाहते हैं सामने वाले को और तब आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा वर्ड स्ट्रेस करना है अब आपको अगर डिसाइड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रेस में कोई रूल्स है तो वो क्या है तो जैसे कि मैंने बोला वैसे कोई रूल्स नहीं है आपका डिसीजन है लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप किसी भी वर्ड को स्ट्रेस नहीं कर सकते आपको उन्हीं वर्ड्स को स्ट्रेस करना है कि जिसमें सेंटेंस का मीनिंग छुपा हुआ है उन्हें कहते हैं हम कंटेंट वर्ड्स कंटेंट वर्ड्स का मतलब है वो वर्ड्स जिसमें सेंटेंस के मेन कीवर्ड्स है जो मेन मीनिंग है यानी कि जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं ना जो आर्टिकल्स होते हैं प्रपोजिशन होते हैं कंजंक्शन्स होते हैं ये सब जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं इनको हम स्ट्रेस नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स उनका काम है हमारी मदद करना सेंटेंस बनाने में लेकिन उनको हम स्ट्रेस नहीं करते हैं तो आपके जो प्रोनाउंस है या ऑक्सिलरी वर्ब्स है जैसे कि दे है ऑन है द है एंड है डज है इनको आप स्ट्रेस नहीं करेंगे लेकिन अगर जो दूसरे वर्ड्स है जिसमें आपको नाउन्स है वर्ब्स है एडजेक्टिव है जैसे कि सेल है म्यूजिक है इंटरेस्टिंग है इन वर्ड्स को आप स्ट्रेस कर सकते हैं तो ये फर्क का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई रूल नहीं है सेंटेंस स्ट्रेस में अगर इतना आ गया तो आपका प्रनाउंसिएशन क्लियर हो चुका है आज आप सिलेबल स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस भी सीख चुके हैं मतलब आप एक लेवल अप आ चुके हैं